दोस्तों, यदि आप फिल्म एनिमल को देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसमें दोस्तों ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास रहेगा कि इस फिल्म का रन टाइम कितना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ इन दिनों अधिकतर फिल्में जो कि हमें 2 घंटे और कुछ मिनटों की दिखती है, और यहाँ पर फिल्मों की लेंथ जो कि काफ़ी ज़्यादा कम होती है, जिस कारण से यहाँ पर फिल्म के अंदर सारे मेन कंटेंट जो कि काफ़ी फटाफट दिखा दिए जाते हैं और वो फिल्म बेहतरीन भी लगती है। लेकिन जैसे कि दोस्तों, यहाँ फिल्म एनिमल के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि फिल्म एनिमल को बनाया गया है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ फिल्म का रन टाइम जो कि अच्छा खासा लंबा है, और इसे देखने के बाद तो आप भी पक्का शौक होंगे ही, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि फिल्म एनिमल जो कि हमें दिखेगी लगभग 3 घंटे 30 मिनट की, यानी कि 3.5 घंटे की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 1 घंटा नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 3.5 घंटे की रहेगी एनिमल। और इसी के साथ जो भी इस फिल्म को देखने की प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा वक्त इस फिल्म के लिए देना होगा। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर बात यह कि यदि ये फिल्म बेहतरीन निकल जाती है तो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक सभी का एंटरटेनमेंट होगा, लेकिन यदि ये फिल्म जो कि कहीं पर बोर करती है तो यहाँ पर ये दर्शकों के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसे में यहाँ पर फिल्म एनिमल के साथ ही रणवीर कपूर जो कि अपनी काफ़ी लंबी फिल्म लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ उम्मीद है कि यहाँ फिल्म तो बेहतरीन होगी, और यहाँ 3.5 घंटे ये फिल्म सभी को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करने वाली है। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।